हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक दैट इज 9.3 फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, किसी भी बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस जो है उसके बिजनेस का बैकबोन होता है, लाइफ ब्लड है बिजनेस का लिए फाइनेंस। अब उस फाइनेंस को, उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आज स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड कैपिटल के साथ। वो कैपिटल जो कि आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। आपके पास आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, आपने पढ़ा भी है, वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। अब आपके पास आपकी जो असेट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपके इक्विपमेंट्स, तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपके मोर देन वन ईयर आपके बिजनेस में काम आने वाली हैं। उन सभी एसेट्स में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपके पास आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आपके पास फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, दो टाइप के नेचर रहते हैं आपके बिजनेस के। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, कि आप बना के फिर बेच रहे हैं, और एक होता है आप रेडीमेड खरीद रहे हैं और उसको स्टोर कर करके सिर्फ फिर बेच रहे हैं। जैसे एक मैं अगर बात करूं कि मैंने अपना पूरा प्लांट सेट किया हुआ है कपड़े बनाने का, मैं उनको बनाती हूँ, पैक करती हूँ, फिर से रफ करती हूँ। एक मैं सिर्फ बुना बनाया माल सूरत से, लुधियाना से, कहीं से भी परचेज करती हूँ, उसको स्टोर करती हूँ और उसको बेच देती हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, आपको लैंड चाहिएगी, आपको प्लांट शेड लगाना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। ट्रेडिंग में सिर्फ आपको बना बनाया माल खरीदना है और उसको स्टोर करना है, उसको सेल आउट करना है, वहाँ पे आपको मशीनरीज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपका टाइप है उसमें आपको ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत रहेगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल का मतलब है कितने बड़े काम स्केल पे आप काम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा बड़ा स्केल होगा उतना ही ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, और जितना छोटा स्केल ऑफ ऑपरेशन रहेगा उतनी ही कम रिक्वायरमेंट आपको रहेगी आपके बिजनेस के फाइनेंस के लिए। तो यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा एक रिलेशन होता है कि अगर आपके पास आपका जो स्केल है वो आपका बड़ा है तो आपको मोर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, और अगर आपके पास ये छोटा है स्केल है तो आपको लेस फाइनेंस रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। दो टाइप की टेक्निक होती है, एक होती है आपके पास आपका कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा होता है आपका लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव कहने का मतलब है कि आप हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, और जब आप हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको वो महंगी महंगी मशीनरीज खरीदने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव, जिसमें सिर्फ आपका मैनुअली काम होता है, आपके हाथों से काम किया जाता है। अगर आप फर्स्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, तो उस केस में आपको ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आप मैनुअली काम कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ऐसे भी बिजनेस होते हैं जहाँ पे जो मशीनरीज हैं आए दिन उनका अपग्रेडेशन आता रहता है। अब उस केस में अगर आप ऐसे फिक्स सेट्स में यूज़ कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली बार बार चेंज होती रहती है, तो आपको वो अपडेट लेने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट रहेंगी। जैसे कि आपके पास अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, मैं अगर आप बोलता मोबाइल सिस्टम 2G से 3G, 4G और 5G स्पेक्ट्रम में आपका आ चुका है, और अगर हम बात करें आपके पास कुछ ऐसी मशीनरीज की जहाँ पे अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहती है, तो उस केस में आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी बिजनेसेस जहाँ पे आपको लगता है फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, अब उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए आपको मनी की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है कोई आपको डिस्काउंट फैसिलिटी अवेल करना हो सकता है कोई नई मशीनरी मार्केट में लॉन्च होने वाली हो, और आप उस मशीनरी को खरीदेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उस मशीनरी को खरीदने के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जितने ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जितनी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी मार्केट में फ्यूचर के लिए, उतनी ही आपको मनी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। और जितना कम आपको मनी का रिक्वायरमेंट जितना कम आपके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होंगे मार्केट में, उतना ही कम मनी का रिक्वायरमेंट आपके पास रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास आपका डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एकदम आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन है उससे हटकर के आप काम कर रहे हैं। सपोज जैसे टाटा की अगर हम बात करें, तो टाटा को आप देखते हो ऑटोमोबाइल्स भी है, उनकी होटल्स की चेन भी है,
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी वो डील करते हैं। तो अब जो चीज़ जो मशीनरी आपकी कार का स्टीयरिंग बना सकती है वो टाटा सोल्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन से एकदम हट करके एक और बिजनेस लाइन स्टार्ट कर देना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उस केस में भी आपको ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको मनी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहती है। आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।